नमस्कार दोस्तों, टेक समीक्षा के लिए आपका स्वागत है। आज हम बात करें मोटरोला के लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन मोटरोला H50 अल्ट्रा के बारे में। यह भी हाल ही में भारत में लॉन्च हुआ है। चलिए देखते हैं फोन कैसा है और क्या आपके लिए सही रहेगा। डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में बात करें तो पहली नजर में यह फोन आपको काफी प्रीमियम लगता है। वर्ल्ड का फर्स्ट नेचुरल वुड फिनिश फोन है, एल्यूमिनियम फ्रेम है और आपको सिलिकॉन वेगन लेदर में भी मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.7 इंच की पोलर डिस्प्ले मिलती है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। डिस्प्ले काफी क्रिस्प और स्मूथ है, कलर्स भी काफी वाइब्रेंट है और HDR10+ सपोर्ट भी मिलता है। परफॉर्मेंस के मामले में मोटोरोला H50 अल्ट्रा कोई कभी नहीं छोड़ता है। इसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8th Gen 3 प्रोसेसर है, 16 GB तक की रैम मिलती है। आप चाहे गेमिंग करें, मल्टीटास्किंग करें, फोन सब कुछ संभाल सकता है। स्टोरेज के मामले में फोन आपको निराश नहीं करेगा, 1 TB तक की UFS 4.0 स्टोरेज ऑप्शन मिलता है। कैमरे की अगर बात करें, इस पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 MP का मेन कैमरा है, साथ ही में आपको 50 MP अल्ट्रा वाइड लेंस और 64 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है। फ्रंट कैमरा भी आपको काफी दमदार मिलेगा, 50 MP का फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा। मोटोरोला H50 अल्ट्रा में 4500 mAh की आपको बैटरी मिलेगी, पूरे दिन आसानी से चल सकती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसकी चार्जिंग, इसमें आपको 125 वाट का टर्बो पावर चार्जिंग मिलता है। इसके अलावा आपको 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। अगर आप एक दमदार फ्लेक्सी फोन लेना चाहते हैं तो मोटोरोला H50 अल्ट्रा आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें शानदार डिस्प्ले, दमदार परफॉर्मेंस, कमाल कैमरा और फास्ट चार्जिंग जैसी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हालांकि इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा जरूर है, तो फोन खरीदने से पहले सोच लें कि आपकी ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों, ये थी मोटोरोला H50 अल्ट्रा की हमारी समीक्षा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।